नमस्कार भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। ये तो वीडियो ना भाई, ये अपना उससे आगे कंटिन्यू है। हम पहुंच गए थे भाई खाटू श्याम, खाटू श्याम से फिर हम सालासर गए। सालासर से भाई फिर हमें डायरेक्ट घर पे आना पड़ गया। नॉन स्टॉप हम सालासर से घर पे आए हैं। जो जर्नी थी हमारी वो अराउंड, मतलब कि खाटू श्याम से हम सालासर गए वो अराउंड 100 किलोमीटर्स की थी, और फिर सालासर से हम डायरेक्ट घर पे आए हैं, तो वो अराउंड हमारी 320 के आसपास की जर्नी थी। तो भाई उसमें डिस्कस करते हैं क्या गाड़ी ने एवरेज दी, और भाई वो नॉन स्टॉप जर्नी थी बिल्कुल। तो भाई ये देख लो, तो गाड़ी ने जो एवरेज दी थी वो 17.9 की एवरेज दी है, मतलब ये 18 थी। ये अब गाड़ी कुछ देर से खड़ी है ना स्टार्ट, तो अराउंड 18 की माइलेज हमें दी थी, जिसमें हम भाई खाटू श्याम से सालासर गए वो 100 किलोमीटर है। वो मतलब कि कुछ पैच उसका बिल्कुल गांव के अंदर से था, जहां पे जो कंडीशन थी रोड की वो इतनी अच्छी नहीं थी, और भाई फिर जो उसका कुछ पैच था वो हाईवे पे था, तो वहां पे रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। तो कुछ टाइम गाड़ी क्रूज़ पे भी चली, बट जो गाड़ी की स्पीड थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। गाड़ी की स्पीड मतलब कि 120-130 100 से अबाव थी, तो उस स्पीड पे भी जो हमारी गाड़ी है उसने हमें एवरेज दी है अराउंड, मतलब कि 18 के आसपास की एवरेज हमें मिली है। इससे नीचे नहीं गई, मतलब इससे ऊपर ही कभी जैसे 18.1-18.5 तक चली गई थी, तो मतलब कि 18 से नीचे की हमें एवरेज नहीं मिली इस पूरे ट्रिप में। और भाई आते टाइम तो हम काफ़ी खैचू खैचाए गाड़ी को, मतलब खूब भगाया हमने, 150 को भी टच किया हमने आते टाइम, मतलब कि जो हाईवे था वो काफ़ी अच्छा था, तो 150 भी गाड़ी बजाई है। तो ये जो टोटल हमारा वो था रनिंग, वो दिखा देता हूँ मैं आपसे, आप लोगों को। ये देखो भाई, ये ट्रिप ए को सेट किया था हमने 0 पे, तो ये जो टोटल है ना हमारा ये 861.4 किलोमीटर था। जैसे इसमें क्या हुआ है कि हम यहाँ से पहले गए खाटू श्याम, तो मतलब 340 के आसपास वो था, फिर खाटू श्याम से हम सालासर बालाजी गए 100 किलोमीटर के आसपास वो था, यानी 440 हो गए। उसके बाद फिर हम भाई डायरेक्ट वहीं से घर पे आए हैं, तो अराउंड 320 के आसपास वो था, और भाई बीच में उसके बाद आने के बाद, जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमें कुछ इमरजेंसी आ गई थी, तो उसके बाद हमने इस गाड़ी को अराउंड 50 किलोमीटर के आसपास, 50-60 किलोमीटर के आसपास दिल्ली के अंदर भी चलाया है। तो जो एवरेज है ना वो मैंने रीसेट नहीं करी थी, एवरेज हमारी सेम वही है, तो जो एवरेज हमें मिली थी वो 17.9 की एवरेज मिली थी, और भाई जो एसी का टेम्परेचर था वो 26 पे ही सेट था, मतलब कि 26 से नीचे नहीं था, 26 पे ही हमने एसी का टेम्परेचर को सेट कर रखा था, उसी टेम्परेचर पे हम गाड़ी लेके आए थे। तो मे भी क्या पता इससे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता होगा एवरेज पे, बट भाई मुझे तो लगता नहीं इससे इफेक्ट पड़ता होगा। तो अब मैं बाहर से आपको गाड़ी की कंडीशन दिखा देता हूँ एक, कि ट्रिप के बाद गाड़ी का क्या हाल हो गया भाई, जो अपना नॉन स्टॉप ट्रिप था राजस्थान का। तो भाई ये देख लो गाड़ी की कंडीशन देख लो, धोनी पड़ेगी, बुरा हाल हो गया बिल्कुल, ठीक है। और भाई ये पता नहीं क्या हुआ, ये चीज़ देखता हूँ दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो यहाँ पे भाई क्या हुआ, सामने की तरफ से जब हाईवे पे जा रहे थे ना, तो कोई मतलब कि आलू टाइप का लगा लो, मतलब पत्थर का तो था नहीं वो, कोई बोल टाइप का या कोई आलू टाइप का भाई पता नहीं और कौन सा फल था, वो डायरेक्ट दूसरी साइड से इस पे आके लगा, और इसने ना इतना तगड़ा इम्पैक्ट था उसका कि ये देखो इसने नंबर प्लेट को मोड़ दिया है, मतलब स्पीड में थी गाड़ी, वो सामने वाला ट्रक था उसके अंदर से गिरा था भाई, वो भी स्पीड में था, हमारी गाड़ी भी 100 से ऊपर थी, तो इम्पैक्ट इतना तगड़ा था, क्योंकि ये पत्थर का तो था नहीं, ये जो चीज़ थी ना ये कोई फल टाइप का या कोई सब्जी टाइप की थी, आलू वगैरह था ये, उसने देखो क्या वो कितना तगड़ा इम्पैक्ट किया। अगर यही इम्पैक्ट भाई शीशे पे लग जाता ना, तो शीशा
में भी क्रैक हो जाता अगर वो कोई पत्थर वगैरह होता है या कोई छोटी रोड़ी वगैरह होती, तो भाई चलाते टाइम इस चीज़ का भी ध्यान रखा करो। ये देखो, ये कुछ मच्छर है जो अपनी गाड़ी से हाईवे पे दौरान ही टकरा के मर गए, और जिससे देखो ये रेड रेड कलर से का ये हो गया। ये भी मतलब कि हाईवे पे चलते हैं तो एक आम बात है। तो भाई ये देख लो आप, स्पेसर लगवाने का भाई सबसे बड़ा नुकसान हमें तो भाई यही लगा कि गाड़ी की जो वॉशिंग है ना वो बढ़ गई है भाई, बहुत जल्दी गंदी हो जाती है बहुत जल्दी। और ये देखो साइड से कितना बुरा हाल हो गया है, अंदर की क्लैडिंग देखो, अंदर की जो मेन अंदर का आर्च है ना वो तो इतना गंदा नहीं है, पर ये चीज़ देखो ये बिल्कुल गंदी हो गई है। और भाई टायर देख लो आप, ये देखो आगे से देखो, ये जो फेंडर लाइनिंग है ना ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। टायर भाई ऐसा तो है नहीं कि घिस रहा है, गाड़ी टायर खा रही है व्हील स्पेसर की वजह से, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बस मेन दिक्कत भाई इसकी धोने की हो गई है। अब ये देखो ये स्पेसर के कारण ही हो रहा अब इतना इतनी गंदी, ये चीज़ देखो कितनी गंदी हो गई है, ये इस साइड से भी देख लो। तो स्पेसर लगवाने का भाई जो नुकसान हमें भुगतना पड़ रहा वो यही भुगतना पड़ रहा है कि अब जो गाड़ी की वॉशिंग है ना उस पर खर्चा बढ़ गया, गाड़ी की वॉशिंग अब जल्दी करानी पड़ती है, गंदी बहुत ज़्यादा होने लगी है देखो। तो भाई आखिरी कंक्लूजन यही है कि स्पेसर लगवाने के बाद गाड़ी की एवरेज में भाई कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। एक बार सिटी में चला के और देखेंगे इसको, सिटी में निकालेंगे इसकी एवरेज कि सिटी में ये कितनी एवरेज दे रही है। बट हाईवे पे भाई जैसे अब आते टाइम हम आए हैं तो भाई आते टाइम बहुत स्पीड से गाड़ी आई है, 150 भी टच किया हमने आते टाइम, तो जो एवरेज है ना भाई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ा व्हील स्पेसर के कारण। तो भाई बेफिक्र होकर लगवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, खूब टेस्ट करके देख लिया अब तो इसको हाईवे पे भी, एक बार सिटी में और देख लेंगे कि सिटी में चलाने से क्या एवरेज में कोई ड्रॉप आया या नहीं। बट भाई टेंशन फ्री होकर लगवाओ, गाड़ी की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई है, गाड़ी बहुत तगड़ी तरह से जम के चलती है अब हाईवे पे, खूब भगाई है भाई अब की बार, 150 भाई कोई नॉर्मल स्पीड नहीं होती, 150 पे गाड़ी खूब भगाई है, और मतलब कि कोई बैलेंस इन आउट नहीं हुआ, गाड़ी बिल्कुल जम के चली है, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई स्पेसर लगने के बाद। तो भाई आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो भाई वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की और वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।